हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज 29 तारीख है, क्या आज के दिन भी कोई गतिविधियां केंद्र पर आयोजित की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों अगर आपके पास गतिविधि का कैलेंडर होगा तो आपने देख लिया होगा कि आज के दिन क्या गतिविधि है क्या नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि 29 और 30 मार्च को आपको क्या क्या गतिविधि करनी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना कैलेंडर खोल लिया है, आपके पास भी सेम ऐसा कैलेंडर होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 मार्च है, फिर 28 मार्च है और यहाँ पर फिर 31 मार्च है। दोस्तों यहाँ पर हमारा 29 मार्च और 30 मार्च यहाँ से कैलेंडर से गायब है, क्योंकि दोस्तों 29 और 30 मार्च में आपको कोई गतिविधि आयोजित नहीं करनी है, क्योंकि नवरात्रों के उससे शायद कभी मतलब बीच में 2 दिन का अवकाश है गतिविधियों में, केंद्र का शायद अवकाश नहीं रहेगा आपका, अगर आपके यहाँ पे होगा तो आप रखिएगा, लेकिन यहाँ पर गतिविधि का 2 दिन का अवकाश मान के चलिए कि आपको 2 दिन तक कोई गतिविधि आयोजित नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने केंद्र पर हैं, आपका कोई काम अधूरा है, जैसे कि जो आपके सेम मैम बच्चे हैं या फिर जो आपके 0 से 6 वर्ष के जिन बच्चों का आपने वृद्धि निगरानी अर्थात वजन और लंबाई लिया हुआ है, तो उसे आप पोषण ट्रैकर पर फीड कर सकते हैं, या फिर जो गतिविधि आपने 27-28 मार्च में की थी और उसकी एंट्री आप जो पोषण पखवाड़े की वेबसाइट है उस पर नहीं कर पाए हैं तो उसकी एंट्री आप आज भी कर सकते हैं, अर्थात 27 और 28 मार्च की अगर आपने एंट्री नहीं की है पोषण पखवाड़े की वेबसाइट पर तो आप 27 और 28 की एंट्री आज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन बात यह है कि 29 और 30 मार्च को आपको कोई गतिविधि आयोजित नहीं करनी है, इसमें सिर्फ आप अपनी अगर आपकी पुरानी कोई फीडिंग बची हुई है 26, 27 या 28, केवल 3 दिन की आप फीडिंग कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों की फीडिंग अगर आपकी रुकी हुई है पोषण पखवाड़े के पोर्टल पर तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों 29 और 30 मार्च को आपको कोई गतिविधि आयोजित नहीं करनी है, जो आपका कार्य अवशेष है आप उसको पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।